मुझे कुछ नहीं करवाना पापा, हट जाओ मेरे से, जबरदस्ती मत करो, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे से जबरदस्ती क्यों करो, क्या है ये सब? मम्मी देखो, मम्मी देखो, मुझे नहीं करवाना है। माता जी, हमने आपसे तब भी कहा था, इस बच्ची को नियंत्रित रखिए, आपके काबू से भाव तो बाहर हो गई है। बाप जी को फोन करूं जरा, कहाँ रह गए पंडित जी, कहाँ रह गए आप? थोड़ा जल्दी आया करो ना। हाँ, मेरी बहू भी कहीं बाहर गई है, तो आ जाओ, उससे पहले जो करना है थोड़ा कर लो अपना, जल्दी जल्दी घर को बांधना, जैसे करना जो करना, आप आओ जल्दी, बताओ जरा, फिर वो आ जाएगी, फिर आप उस पर कर देना जो करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी आ जाओ थोड़ा। अभी आ रहे हैं पंडित जी, आज तो काम हो जाएगा, हो जाएगा आज तो, बस आ जाओ, गेट खुला है। राधे राधे पंडित जी, राधे राधे जी, राधे राधे। आओ ये देखो, बैठो पंडित जी, ये सामान मैं अपने मंगाया था, मैं सारा सामान ले आई हूँ, बस आप अपना कर लो। हाँ, आप एक बार अपना चेक कर लो जरा, ठीक है सारा कुछ? सब बढ़िया है, ठीक है। हाँ, जो जो आपने बोला था मैं आराम से अपना ले आई, ठीक है ठीक है ना। देखिए, अब मैं जो विधि बता रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ, उसमें बीच में नहीं बोलना, ठीक है? ठीक है, कि आप जरा सा भी आप बीच में बोलेंगे तो वहाँ से हमारा ध्यान हट जाएगा। ठीक ठीक, नहीं आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगी, बस आप अपना काम अच्छे से करना, ठीक है? उसकी आप चिंता मत करो। माचिस वगैरह तो कुछ ही नहीं है। अरे अरे रुको पंडित जी रुको, माचिस नहीं है, मैं हाँ मैं जला के लाती हूँ, मैं जला के लाती हूँ, एक मिनट रुको आप जरा पंडित जी, रुको रुको, माचिस नहीं मिली, मैं इसलिए जला के ले। आपको कहा सुबह अगर निकल जाएगा तो पर नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं बुला लेती हूँ अभी गुनगुन को जरा फोन करके, ठीक है? गुनगुन कहाँ है तू, जल्दी आ थोड़ा घर पे, जल्दी आ, अरे जल्दी आ, थोड़ा काम है, कहाँ रे? तो वहाँ कहा है सब को थी संप्रा नहीं रहने को देश आल का रेशु सबका ओम शिकड़ चाना मम शिकड़ चाना ओम शिकड़ चाना मम शिकड़ चाना। आप एक काम करो, जल्दी से भाव को बुला लो, मैंने मंत्रों से। हाँ मैंने फोन किया ना उसको भी। कितना समय लगेगा? फिर पूछ लेते हैं एक बजे। आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, अब आप सोचो ज्यादा समय। गुनगुन कहाँ रह गई, जल्दी आ भाई, कहाँ रह गई, जल्दी आ, कुछ काम है घर में, जल्दी। सो गाइस, आप सबको पता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दोबारा से मतलब ध्रुव की मम्मी इतना कितना गिर सकते हैं यार। मेरे को तो सच में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, दोबारा से वो पंडित हमारे घर में आवाज़ आ रही है, पता नहीं मंत्र मंत्र की आवाज़ आ रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है सीरियसली, मैं समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। मैंने सबको सबके साथ मैंने सबका सबको कर लिया, ध्रुव नहीं सुन रहा मेरी, ठीक है, और किसको क्या बोलूँ मैं, पापा भी बिजी है, समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से राधिका की मम्मी को भी बोल दिया, सबको सब कुछ कर लिया, कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, क्या करूं? मुझे लगता है ना कि मुझे समर को ही बुलाना चाहिए, मैं समर को ही कॉल करती हूँ। अब बताओ, मेरे घर में ऐसे मंत्र की आवाज आ रही है, इतना धुआं टाइप का हो रहा है, हद होती है सच्ची में बिल्कुल ही। समर फोन तो उठा लो कम से कम यार। समर हेलो, आवाज आ रही है? समर तुम जल्दी से घर पर आओ मेरे, अभी मुझे नहीं पता, प्लीज़ देखो घर आ जाओ, मुझे पता है तुम राधिका के साथ हो, बट प्लीज़ एक मिनट के लिए आ जाओ, तुम्हें नहीं पता मेरे घर में क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है समर, प्लीज़ आओ तो तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है आ जाओ। समर आ रहा है क्योंकि अब समर ये मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि उसके अलावा तो कोई है भी नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। क्या हो रहा है? अरे हुआ क्या मम्मी, क्या बात कर लियो, बात तो बताओ पूरी। और अब ये पंडित जी दोबारा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पंडित जी आए हैं। देखो मम्मी सुनो, मैंने सुनो, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, मैंने आपको मना करा था ना, मैंने आपको मना करा था ना कि इस पंडित को दोबारा मत बुलाना, फिर से मेरे घर में दोबारा से इस पंडित को ले आई, तो मैंने तुझे बोला था ना सुख शांति के लिए। मम्मी क्या सुख शांति, मुझे नहीं करवानी सुख शांति, आपको समझ नहीं आ रहा है? कोशिश कर, ठीक है, नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं करवाना, आप पापा हट जाओ, मेरे से जबरदस्ती मत करो, मैं बोल रही हूँ ना, मेरे से जबरदस्ती क्यों करो, क्या है ये सब?
मम्मी देखो, मम्मी देखो मुझे नहीं करवाना ये सब। क्या नहीं हो रहा? आप इसको रोक रहे हो नहीं रोक रहे हो? आप इसको रोक रहे हो नहीं रोक रहे हो? भाई क्या ऐसा पंडित है, हद हो रही है बिल्कुल भी। भाई क्या कर, आप हट रहे हो नहीं हट रहे हो? क्या ड्रामे कर रहे हो आप ये मेरे साथ? मैंने बोला था ना मेरे घर में मत आना, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। मम्मी यहाँ पर आप चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। बोल रहे हो ना मुझे बात करने दो? पहली बात तो आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे सब कुछ लगाने की, मुझे टच करने की? पहली बात तो ये बताओ बालिका, हम आपके बालिका दक्षत्र मेरे सामने ये जीव जीवट बोलने की जरूरत नहीं आपको बिल्कुल भी। पहली बात तो आपकी हिम्मत कैसे मेरे घर में दोबारा आने की? मम्मी मुझे क्लियर बात करने दो, सर पे चढ़ो मत मेरे। बात कर रही है आपकी बहू? अरे पंडित जी यही तो मुसीबत है। आप मेरे घर पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? और आपने मुझे टच करने की हिम्मत कैसे की ये बताओ? क्यों लगा रहे हो आप मुझे टीका जब मुझे नहीं लगवाना? भाई मुझे अपना जीवन सुधारना ही नहीं है, क्यों इनको भगा रही हो? नहीं भगा रही हो ये ऐसा? आप मेरे घर से निकलो बाहर, मैं बोल रही हूँ। मंत्र वंत्र गाना बंद करो, मंत्र वंत्र गाना बंद करो। आप निकलो नहीं बैठना मुझे, मैंने बोला था नहीं पंडित मेरे घर में नहीं आना चाहिए। नहीं बैठना मुझे, चुप। ऐसा आप मेरे घर से निकलो फटाफट से, मैं प्लेट उठा के फेंक दूंगी। मेरे घर से चल जाओ, मना किया था ना पुलिस को? पुलिस को फोन कर रही हूँ ना मैं, ठीक है? पुलिस को फोन नहीं करेगी तो ठीक है मम्मी, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा तुम दोनों के खिलाफ। पंडित जी को अपना काम करने दे, मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। मेरे घर में जबरदस्ती ये पंडित घुस आया, मेरे को टच करने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ नहीं करा रही पंडित जी, आप अपना काम करें। पंडित जी मेरे घर से फटाफट निकल जाओ, बोल रही हूँ ना मुझे नहीं करना। आप रोक रही हो नहीं रोक रही हो? मम्मी मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी, देख लो। सुख शांति के लिए मुझे नहीं करवानी ना सुख शांति। बेटा बात करी था, बीच बीच मुझे नहीं करवानी शांति। तो आप मेरे घर से निकलो फटाफट, मुझे नहीं पता, घर से निकलो। माता जी अगर कुछ भी गलत होता है तो आप हमको दोष मत दीजिएगा। आप घर निकल रहे हो नहीं मेरे घर, क्या बोलूं भाई मेरे सर में दर्द हो गया है। तो बोल मत ना, क्यों इतना बोला? आप मेरे घर से निकल रहे हो नहीं निकल रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊं? गलत कर रहे हो। मेरे घर से निकल रहे हो नहीं निकल रहे हो? पुलिस को बुलाओ, इनको चुप करवा लो। मम्मी चुप करा लो इनको, मेरा हाथ उठ जाएगा भाई। पंडित है बड़े हैं, मुझे नहीं करवानी ना पूजा। हाथ छोड़ दो मेरा, नहीं नहीं करवानी मुझको पूजा। इस पंडित को चुप करवा लो। तू चुप बैठ रही हो मम्मी? क्या चुप बैठ? मम्मी हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा। तू चुप बैठ। ये क्या कर रहा है? ये पूजा कर रहे हैं। ये ऐसे कौन पूजा करते है? कहाँ है भगवान की तस्वीर तो है ही नहीं यहाँ पे। शांति के लिए पूजा तो ऐसे कौन करता है मम्मी? सुख शांति के लिए पूजा इसको चुप करवा लो, इस पंडित को। मैं ही सम्मान फेंक दूंगी, मैं इसको सम्मान फेंक दूंगी। क्या माता जी, हमने आपसे तब भी कहा था बच्ची को नियंत्रित रखिए, आपके काबू से बाहर तो बाहर हो गई है। बाहर है जब भी से मैं पूजा कर रही हूं। आपके खानदान और परिवार का नाम बदनाम हो जाएगा। कर चुकी है ये, क्या करेगी? सारा तो काम खराब कर रखा है। पंडित जी एक मिनट, नाम बताओ जल्दी बताओ। इसके पूरे खानदान का नाम है, इसके अंदर सबका लिख दिया मैंने, पापा भाई माँ सबका लिख दिया। कुछ नहीं करना, आप देखो जो आपको करना है, ठीक है? आपने जो वादा किया था आप उतना पैसा भिजवा दीजिए। हाँ ठीक है पंडित जी, काम हो जाए मैं आपको बढ़ा के दूंगी। ठीक है, ठीक है।